हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी एन सर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है पी एन सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, ये सभी बातें हम हैंडल करेंगे हमारे ऐप पे। तो उस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पार्ट टू का चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 के बिफोर जो थ्योरेटिकल पार्ट हमें नेसेसरी है उसे हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो प्रोबेबिलिटी ये वर्ड आपने 10th स्टैंडर्ड से सुना है। 10th स्टैंडर्ड में आपने प्रोबेबिलिटी देखा था, 11th में भी हमने प्रोबेबिलिटी देखा है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो एंड के बाद का स्टैटिस्टिक्स है, जिसे हम मराठी में संख्या शास्त्र कहते हैं, तो इस पार्ट का ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 12th का चैप्टर हमें अच्छी तरह से समझने के लिए क्लास 11th और क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से हमारा रहना चाहिए, प्रिपेयर हमने वहाँ पर करना चाहिए था। अगर सपोज कुछ कंसेप्ट आपके 10th और 11th में ठीक तरह से क्लियर नहीं हुए होंगे, तो उन कंसेप्ट को आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम क्लियर करते हैं, क्योंकि 10th और 11th का जो पार्ट है वो पार्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ का जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, ये तो पुराना वर्ड है क्योंकि हमने 10th और 11th दोनों स्टैंडर्ड में सीखा है। इसके साथ यहाँ पे आया है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के साथ में है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को हम मराठी में कहते हैं संभवनीयता। इसे इंग्लिश में दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। जैसे सपोज किसी थर्ड पर्सन ने, आपको पता नहीं लेकिन किसी थर्ड मतलब आपको उस पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं, उस स्टूडेंट के बारे में कुछ पता नहीं, उस स्टूडेंट ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो स्टूडेंट पास हो सकता है या फिर वो स्टूडेंट फेल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट भी यूज़ करने से पहले, सीखने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट है देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, आज के इस लेक्चर में हम इतने सारे कंसेप्ट सीखेंगे, उससे पहले बेसिक पार्ट पहले देखते हैं। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज हम अगर कॉइन टॉस करते हैं, हमें पता है कॉइन टॉस करते समय या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, ये हमें पता है, लेकिन डेफिनेटली क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है। अगर ये पता रहता हमें डेफिनेटली क्या होगा, तो क्रिकेट की दो टीम जो रहती है वो दो टीम कॉइन टॉस नहीं करती, क्योंकि वहां पे किसी को भी श्योर पता नहीं रहता है। जैसे सपोज मैंने अगर दो टीम है, इसमें से एक टीम ने अगर सपोज हेड चॉइस किया है तो दूसरे टीम को टेल चॉइस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से किसी भी टीम को एग्जैक्टली पता नहीं होता है, डेफिनेटली पता नहीं होता है हेडी यहां पे पड़ेगा, ये हेडी यहां पे रहेगा या फिर टेली यहां पे रहेगा, मतलब हमें हेड दिखेगा या फिर टेल दिखेगा, ये वहां पे हमें पता नहीं रहता है। तो उस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या हो सकता है ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये, डेफिनेटली क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो हमें पता है कॉइन टॉस करते समय या तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा, ओके, लेकिन डेफिनेटली क्या रहेगा यह हमें पता नहीं रहता है, तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड स्टूडेंट ने, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, उस स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया है तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, या तो वो स्टूडेंट पास रह सकता है या फिर वो स्टूडेंट फेल हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद आपने एग्जाम दी है तो डेफिनेटली आपको पता है या तो आप पास या फिर फेल। तो आपके बारे में अगर मैंने एग्जाम दी है तो मेरे, अगर मैं खुद को कंसीडर करूंगा तो उसे मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता,
क्योंकि यहां पे मुझे डेफिनेटली पता है क्या होने वाला है, ओके okay? लेकिन जिस स्टूडेंट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, अगर उस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को कहेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन शॉर्ट, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट देन? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमें पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हमें पता नहीं यही होगा, तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने सांप सीढ़ी का जो खेल है, ये आपको पता है, बचपन में आपने उसे खेला होगा। वहाँ पे एक क्यूबिक डाई रहती है जिसे हम गोटी कहते हैं मराठी में। उस क्यूबिक डाई को टोटल 6 सरफेस होते हैं, उसके हर एक सरफेस पे डॉट रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। तो उस क्यूबिक डाई को अगर हमने फेंक दिया तो हमें पता है क्या क्या हो सकता है, हमारा ध्यान रहता है उसकी तरफ क्या क्या हो सकता है, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा या 6 रहेगा, लेकिन डेफिनेटली क्या रहेगा यह हम बता नहीं सकते। डेफिनेटली 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ऐसा हम बता नहीं सकते। अगर ऐसा हमें पता रहता तो खेल खेलने से कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है ना? पता है ना आपको ये बात, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वी नो ऑल द पॉसिबिलिटीज, बट डेफिनेटली वी कांट से पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कंसेप्ट मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए, ठीक है? फिर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट, सपोज जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड। सपोज अगर हमने कॉइन टॉस किया तो यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, ये आपने 10th और 11th में देखा है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमें सभी पॉसिबिलिटीज पता होती है, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज का जो सेट है उसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर यूज करते हैं कैपिटल एस। ओके, व्हाट इज कैपिटल एस? इट इज द सैंपल स्पेस, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल है वहां पे आउटकम्स, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, उन सभी पॉसिबिलिटीज का जो सेट रहेगा उसे कहते हैं हम सैंपल स्पेस, ठीक है? सपोज अगर दो टीम है, टीम ए और टीम बी, टीम ए ने सपोज हेड चॉइस किया तो टीम बी का टेल रहेगा, ओके? अगर हमने कॉइन टॉस किया तो निश्चित रूप से टीम ए को लगेगा कॉइन नीचे गिरते समय कि वहां पे हेड ही रहना चाहिए क्योंकि उनका चॉइस हेड का था, ओके? तो वो क्या करेंगे, उनका पूरा ध्यान किसकी तरफ रहेगा, हेड की तरफ रहेगा। तो यहां पे इसका ही सबसे टीम ए का रहेगा, ओके? टीम ए का, टीम ए जो है इसमें से ही ले रहा है, टीम ए क्या ले रहा है, एच ले रहा है, मतलब सैंपल स्पेस एस का ये सबसेट है, ओके? तो सैंपल स्पेस एस का जो सबसेट रहेगा इसे कहते हैं हम इवेंट, इट इज कॉल्ड इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना? इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट रहेगा। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद हमने सैंपल स्पेस लिया, फिर उसके बाद हमने यहां पे इवेंट कंसिडर किया, ठीक है? अब इसके बाद आता है रैंडम वेरिएबल, जो यहां पे वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन भी हमें बुक में दिया है। देखिए, रैंडम वेरिएबल्स, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, ओके? रैंडम वेरिएबल, ठीक है? अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहां पे मेरा इंटरेस्ट हेड में है, नंबर ऑफ हेड्स में है, ठीक है? तो इसमें से जो वेरिएबल associated with random experiment, the variable associated with random experiment, जो वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिलेगी, उस प्रकार के वेरिएबल को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। द वेरिएबल associated with random experiment, जो वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें मिलेगी, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल, ठीक है? अब देखिए, सपोज हम दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे। एक, आपके क्लास में
रहने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके क्लास से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट ध्यान दीजिए, पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर करते हैं, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास है उस क्लास से नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर करते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट, आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उनका हाइट, ठीक है ना, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी ऊंचाई, ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट, लंबाई उनकी। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट और हाइट ऑफ स्टूडेंट, इन दो एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार का फर्क रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम जितने भी स्टूडेंट काउंट करते हैं, सपोज हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और एक दिन में कितने परसेंट रहते हैं उसे अगर हमने काउंट किया, तो हमें पता है अगर छुट्टी रहेगी तो 0 स्टूडेंट रहेंगे क्लास में, अगर 100% प्रेजेंट ही रहेंगी तो 100 स्टूडेंट रहेंगे, या फिर इसके दरमियान स्टूडेंट रह सकते हैं 0 से लेके 100 तक, ठीक है ना, 0 से लेके 100 तक। यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये सभी आपको इंटीजर फॉर्म में ही मिलेंगे। कौन से फॉर्म में मिलेंगे, इंटीजर फॉर्म में ही मिलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट 0 रह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। अभी यहां पे कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 2.7 स्टूडेंट प्रेजेंट है, या फिर 99.9 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटीजर में ही रहेंगे। ओके, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, दूसरा एक्सपेरिमेंट है हाइट ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। तो हमें पता है हमारे क्लास में, 12th क्लास में सबसे छोटे हाइट वाला स्टूडेंट हो सकता है सपोज 4.5, 4 फीट 5 इंचेस, 6 इंचेस, 4.5 फीट का, 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है ना, 12 इंचेस का 1 फीट रहेगा, तो 4.5 मतलब, या फिर ऐसा लिखते हैं, चलिए 4 फीट और फिर इंच, ठीक है ना। तो आप देखिए ये मैंने 4.5 लिखा है, सबसे ज्यादा सबसे हाइटेड स्टूडेंट कितना रहेगा, मैक्सिमम 8, इतना तो नहीं रह सकता है सपोज 8 फीट का। तो अब इसके दरमियान देखिए, इसके दरमियान हमें हर एक नंबर इंटीजर ही मिलेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि हाइट सभी की इंटीजर में नहीं रहेगी, 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट ऐसा रहेगा क्या, नहीं, फीट के साथ इंच रहेगा, 5 फीट 2 इंचेस, 3 फीट सॉरी 5 फीट 3 इंचेस, 5 फीट 5 इंचेस, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 7 इंचेस, इस प्रकार की हाइट रहेगी। तो इसका मतलब यहां के जो वैल्यूज है, यहां के टोटल वैल्यूज हमें इंटीजर में नहीं मिलेंगे, यहां के वैल्यू मिलेंगे हमें फ्रैक्शंस में, सभी इंटीजर ने और सभी फ्रैक्शंस ने, लेकिन वैल्यू यहां के इंटीजर एंड फ्रैक्शंस ऐसे मिलेंगे, मतलब फ्रैक्शंस में यहां पे वैल्यू मिल रहा है। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, यहां के वैल्यूज हमें इंटीजर में मिल रहे हैं, यहां के वैल्यूज हमें फ्रैक्शंस में मिल रहे हैं। जिस रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज इंटीजर फॉर्म में रहेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो उस प्रकार के रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो दो पार्ट में है, डिवाइड कर सकते, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है। अब ये डिस एक्सरसाइज 7.1 जो हमें सॉल्व करना है, दैट एक्सरसाइज टोटली डिपेंड अपॉन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एवरी कंसेप्ट रिलेटेड विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर एक्सरसाइज 7.1। तो इस 7.1 को अगर हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, इसका हर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व करना है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हर एक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इसे ही देखना है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। दोनों टाइप तो हम देखेंगे, लेकिन ये नीचे का जितना भी पार्ट है, दिस पार्ट इज रिलेटेड विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम शॉर्ट में कहते हैं DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देन व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिस रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज इंटीजर में आते हैं उस रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, यहां पे मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट का एग्जांपल दिया है, ओके। अब इससे अलग, इसका विरुद्ध क्या रहेगा, फ्रैक्शंस, और इसे क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जिन रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज हमें फ्रैक्शंस में मिलते हैं, ध्यान दीजिए, जिन रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज हमें फ्रैक्शंस में मिलते हैं,
तो उस प्रकार के रैंडम वेरिएबल को हम कहेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। वैल्यू इंटीजर में रहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वैल्यू फ्रैक्शन में रहेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो दो प्रकार के रैंडम वेरिएबल डीआरवी और सीआरवी। डीआरवी मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सीआरवी मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब यहां से जितने भी कंसेप्ट हमें नीचे देखने हैं, दिस ऑल कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद देखा है हमने सैंपल स्पेस, उसके बाद देखा था हमने इवेंट, फिर उसके बाद देखा था हमने रैंडम वेरिएबल, और अभी देखे हमने रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिस रैंडम वेरिएबल के वैल्यू इंटीजर में रहेंगे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिस रैंडम वेरिएबल के वैल्यू फ्रैक्शंस में रहेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोज हमने जिस प्रकार से एक कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट हमने कंसिडर किया था, अब उस प्रकार से हम दो कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं, टॉसिंग टू कॉइंस। ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, टॉसिंग टू कॉइंस। सपोज हम दो कॉइंस को टॉस करते हैं, हमें पता है अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन के दो पॉसिबल आउटकम्स, दूसरे कॉइन के दो पॉसिबल आउटकम्स, 2 × 2 = 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 रहेंगे। अब ये 4 पॉसिबल आउटकम हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए आपने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में देखा है, अगर सपोज दो स्टेटमेंट रहेंगे तो पहले स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट के कॉलम में TTFF ट्रू टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय, फिर Q के कॉलम में TFTF, ये आपने देखा है। इसी प्रकार से जब दो कॉइन आपको टॉस करने हैं तो सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स लिखते समय हम क्या करेंगे, पहले दो यच बाद के दो टी, फिर एक यच एक टी, एक यच एक टी, इतने पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, यच 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 टी टी एच टी टी। ओके, एच 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 टी टी एच टी टी, दीज आर द पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। टॉसिंग टू कॉइन्स, एक कॉइन को दो बार टॉस करना, दो कॉइन को एक बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग वन कॉइन टू टाइम्स, इन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। एक कॉइन को दो बार टॉस करना और दो कॉइन को साथ में टॉस करना, इसका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने सैंपल स्पेस यस लिया है, एच 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 टी टी एच टी टी। अब इस सैंपल स्पेस में एन ऑफ यस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यस कितने हैं, 4 है। ये किस प्रकार से लेना है मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए सपोज मेरा इंटरेस्ट है लेट यक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, सपोज मेरा इंटरेस्ट नंबर ऑफ हेड्स में है। ठीक है, अब देखिए ये एक्स हम हमेशा रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यक्स ही यूज करते हैं, यूज करना है। ठीक है, हमेशा हम इस बुक में, हमेशा इस बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा हम कैपिटल एक्स को यूज करेंगे। ओके, नाउ कैपिटल एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। अब यहां पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ हेड्स 2 है, यहां पे देखा जाए नंबर ऑफ हेड 1 है, यहां पे नंबर ऑफ हेड 1 है और यहां पे नंबर ऑफ हेड 0 है। यहां पे एक भी हेड नहीं है, 0 है। यहां पे दो हेड है 2, यहां पे 1 हेड है 1, यहां पे 1 हेड है 1, यहां पे दो, यहां पे दोनों भी टी है, हेड नहीं है, तो उसको हमने 0 लिया है। तो नंबर ऑफ हेड जो है, इस नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू यहां पे क्या क्या है, कम से कम 0 है, फिर उसके बाद 1 है और फिर ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। ठीक है, ओके, हमें पता है देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहती है, फिर 1 या 1 से छोटी रहती है, प्रोबेबिलिटी इसके दरमियान ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं रहेगी। अगर आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 से छोटा या 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो रहा है, ये हमेशा हमें याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज आइदर 0 और ग्रेटर दैन 0, आइदर 1 और लेस दैन 1, 0 से छोटी और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नहीं रहेगी। एटमोस्ट 1 आती है, मैक्सिमम 1 रहेगी, मिनिमम 0 रहेगी। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी इज लेस दैन, इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1 रहेगी, 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी। अब यहां पे हमने रैंडम वेरिएबल एक्स कंसीडर किया है, नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0 1 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ हेड जब 0 है, नंबर ऑफ हेड जब 0 है, उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4।
इस इन फोर में कितनी जगह पे नंबर ऑफ हेड जीरो आते हैं? यहां पे नंबर ऑफ हेड जीरो नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ हेड जीरो नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ हेड जीरो नहीं है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ हेड जीरो है। मतलब इन चार जगह में अगर प्लेसेस हम कंसीडर करते, चार जगह हमारे पास, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, चार बातें हमारे पास है, वी आर हैविंग फोर थिंग्स, वन टू थ्री फोर, चार ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वन टू थ्री फोर, समझ रहे ना। इन चार में सिर्फ एक ही जगह नंबर ऑफ हेड जीरो है, तो नंबर ऑफ हेड जीरो रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, समझ रहे ना आप। टोटल फोर है, उसमें एक जगह ही नंबर ऑफ हेड जीरो है। नाउ सपोज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ हेड वन, नंबर ऑफ हेड वन रहने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इनको हम आउटकम्स कहते हैं, दीज आर कॉल आउटकम्स, जो हमें दिख रहे हैं। आउटकम मतलब जो दिख रहा है, निष्पत्ति जिसे कहेंगे हम, जो हमें दिख रहा है उसे हम आउटकम कहेंगे, ठीक है। पॉकेट में दिख नहीं रहा, पॉकेट के बाहर निकाला, आउटकम निकाला बाहर हमने उसको, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, टोटल फोर है, इन फोर में कितनी जगह नंबर ऑफ हेड वन है? यहां पे नंबर ऑफ हेड टू है, यहां नहीं, इसे लेना नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ हेड वन है, यहां पे नंबर ऑफ हेड वन है, यहां पे नंबर ऑफ हेड जीरो है। तो नंबर ऑफ हेड वन, हेड की संख्या वन कितनी जगह पे? दो जगह पे, 1, 2। तो यहां का इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/4, चाहे तो आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, उसका हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू वन है, उसका भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टू है, उसका अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो ये क्या लेना है हमें यहां पे? नंबर ऑफ हेड टू कितनी जगह पे है, कितनी जगह पे है? यहां पे है नंबर ऑफ हेड टू, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पे भी नहीं, कितनी जगह पे है? वन प्लेस पे ही है, ठीक है ना। और कितने में? फोर में। टोटल कितने है? फोर। फोर में वन जगह है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू हमारे पास कितना है? 1/4। मतलब नंबर ऑफ हेड्स टू रहते समय प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, नंबर ऑफ हेड जीरो रहते समय प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, नंबर ऑफ हेड वन रहते समय प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने x और p ऑफ x इसके वैल्यू अगर टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिखे, x और p ऑफ x, सपोज ऐसे लिखे हमने, x हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, ओके। x का वैल्यू क्या क्या है? 0, 1, 2। व्हाट इज x? नंबर ऑफ हेड्स। अब यहां पे p ऑफ x अगर हमने लिखा, तो p ऑफ x जीरो रहते समय कितना है? 1/4। वन रहते समय कितना है? 1/2। टू रहते समय कितना है? 1/4, ओके। x p ऑफ x 0, 1, 2, तो इसके वैल्यूज हमारे पास है 1/4, 1/2, 1/4। दीज आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसा जो टेबल रहेगा, ध्यान दीजिए, ऐसा जो टेबल रहेगा जिस टेबल में या तो हॉरिजेंटल या लैंडस्केप या पोर्ट्रेटस्केप, पता है ना आपको, अगर हॉरिजेंटल रहा तो हम लैंडस्केप कहते हैं, अगर खड़ा रहा तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। या तो आप इसे लैंडस्केप में मतलब हॉरिजेंटल लिख सकते हो या फिर वर्टिकल लिख सकते हो। तो ये जो टेबल आपके पास है, इस टेबल में क्या क्या है? रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं जीरो रहते समय का प्रोबेबिलिटी, वन रहते समय का प्रोबेबिलिटी, टू रहते समय का प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये जो टेबल हमें दिखता है, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे आपको। यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? डीआरवी का, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहां पे हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको इंटीजर में दिख रही है, इंटीजर में मिल रही है। जीरो इंटीजर है, वन इंटीजर है, टू इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया है, ये किसके लिए लिया है? डीआरवी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। किसे कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? जिसका वैल्यू इंटीजर में रहेगा उसे कहते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डीआरवी, जिसे इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम शॉर्ट में कहेंगे पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके।
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डीआरवी। लुक हियर, यहां पे अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी दो कंडीशंस? यहां की हर एक प्रोबेबिलिटी, ये सपोज इसे हमने x1 कहा, इसे हमने x2 कहा, इसे हमने x3 कहा, तो p ऑफ x1 इक्वल टू जीरो है, सॉरी p 1 बाय 4 है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, p ऑफ x1 ग्रेटर देन जीरो है, p ऑफ x2 ये भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, ये प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, हो सकता है कहीं प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी, तो यहां के सभी प्रोबेबिलिटी जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, एवरी प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपने हर एक प्रोबेबिलिटी को यहां पे लिखा और उन सभी का अगर आपने सम लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू, इन सभी का अगर आपने सम लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इट विल बी वन बाय फोर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन कितना है टू बाय फोर, मतलब वन बाय टू, तो टू बाय फोर है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू इट इज वन बाय टू। ओके, ये क्या है वन बाय टू, सॉरी वन बाय फोर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू वन बाय फोर, इन सभी का अगर हमने सम लिया, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तीनों का अगर हमने सम लिया, देखिए तीनों जगह पे डिनोमिनेटर में फोर है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं फोर, यहां पे क्या रहेगा वन प्लस टू प्लस वन, मतलब फोर, फोर बाय फोर इक्वल्स टू वन। इस प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए हमने हमें पहले क्या सीखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या मिल रहा है हमें वन। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, कभी कभी ये इक्वल टू जीरो भी रह सकता है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स आई मतलब सभी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज, पी ऑफ एक्स आई सभी रैंडम वेरिएबल की एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जितने भी रैंडम वेरिएबल इस पीडी में है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी रैंडम वेरिएबल है उन सभी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटीज या तो जीरो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहां पे सभी प्रोबेबिलिटी का सम जिसे हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा समेशन के लिए हम यूज करते हैं, सिग्मा ऑफ पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू वन, दो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो मिल रही है, हर एक प्रोबेबिलिटी या तो इक्वल टू जीरो चलेगा या फिर ग्रेटर देन जीरो चलेगा। ठीक है, यहां पे ग्रेटर देन जीरो ही है, ठीक है ना, चलो दो कंडीशन यहां पे हमें, यहां पे दो कंडीशन ये पीडी सेटिस्फाई करते दिख रहा है, कौन से दो कंडीशन, सभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो और सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है वन है। इस प्रकार का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहने के लिए उसने दो कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों भी, उसमें से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो पीएमएफ नहीं कह सकते, दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस, अगर एक करता है तो नहीं, पहली करता है दूसरी नहीं करता है, नहीं पहली नहीं करता है दूसरी करता है सेटिस्फाई, नहीं, दोनों भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन से दो कंडीशंस, यहां पे थोड़ा सा मैं कंडीशन देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सभी प्रोबेबिलिटी या तो जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो रहनी चाहिए और सभी प्रोबेबिलिटी की सम वन रहनी चाहिए, तो उस प्रकार के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये पीएमएफ कहां से मिलेगा, पीडी से मिलेगा। ओके, ये पीडी कहां से मिलेगा, रैंडम वेरिएबल से मिलेगा, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल कहां से मिलेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, और रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट की। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट में रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत वहीं से शुरुआत हो रही है हर एक कंसेप्ट की। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या होने वाला है पता है, आसमान में बादल छाए पता है हमें, या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हवामान खाता जो है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो भी बता नहीं सकता है, वो भी कहता है धुआंधार बारिश होने वाली है और कुछ भी नहीं होता है, वो बोलता है ये जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ये कहता है कि आज आसमान खुला रहेगा, भीग कॉलेज से आते समय हम भीगते आते हैं, उनका भी जो फोरकास्टिंग का अंदाज है वो भी वहां पे गलत साबित होता है,
क्योंकि डेफिनेटली नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हो, तो उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही हर एक कंसेप्ट की शुरुआत है, प्रोबेबिलिटी का हर एक कंसेप्ट शुरू होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। और यहाँ पे एबनॉर्मल केसेस कंसिडर नहीं करते हम, जैसे आपने शोले मूवी देखा होगा, शोले मूवी में वो गाना भी है, वो गाना अगर आपने वो गाना देखा होगा, कौन सा गाना है, तेरी जीत तेरी हार मेरी हार, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें एक सीन है, देखिए एक वो अलग तरह की उनकी वो बाइक रहती है, जिस बाइक के साथ में अटैचमेंट में बाद में साइड में धर्मेंद्र बैठा हुआ रहता है, ऊपर अमिताभ बच्चन बाइक चलाता रहता है, तो वहाँ पे वो कॉइन टॉस, लेडीज उनके सामने जाती है कॉइन टॉस करते हैं, ये लेडीज किसकी है, वो कॉइन वहाँ पे खड़ा रहता है, तो वो लेडीज डर जाती है, वो भाग जाती है। आपने ये सीन आपने देखा होगा मूवी में, शोले मूवी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एबनॉर्मल केसेस, खड़ा कॉइन रहेगा, ये एबनॉर्मल केस यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है, यहाँ पे सभी नॉर्मल केसेस कंसीडर किए जाते हैं। एवरी नॉर्मल केस यहाँ पे, जैसे कॉइन टॉस किया, हवा में चले गया, नीचे वापस ही नहीं आया, ये ऐसे एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंट, एबनॉर्मल केसेस हम प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी में सभी नॉर्मल केसेस रहेंगे, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट रहेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या होने वाला है पता है, एग्जैक्टली क्या होगा ये पता नहीं, उसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वहीं से हर एक कंसेप्ट की शुरुआत है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल के दो टाइप हमने देखे, उसके लिए पहले हमने पीडी देखा, फिर उसके लिए बाद में हमने पीएम देखा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसके बाद आता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम सीडीएफ कहेंगे, इसे पीएमएफ और इसे कहेंगे हम सीडीएफ, ओके। ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसे देखेंगे, बाकी ज्यादा कुछ इसे डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इन तीनों के सिर्फ हम फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले यूज करके इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसके लिए हम यूज करेंगे e ऑफ x, ये वेरिएंस के लिए हम यूज करेंगे var वेरिएंस ऑफ x, या फिर इसे हम सिग्मा स्क्वायर सफिक्स x ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लेते हम सिग्मा x, या फिर इसे हम sd भी कहते हैं, sd स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो तीन कंसेप्ट है इसके मैं फॉर्मूले आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको हम बहुत अच्छी तरह से और देखेंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है समेशन xi pi, हमने जो अभी पीडी देखा था, तो xi वहाँ के रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका जो हम सम लेते हैं उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स इसे कहते हैं हम सिग्मा स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन xi pi square minus summation xi square pi ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। या तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से और समझेगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स। और फिर उसके बाद लास्ट में है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसको हम सिग्मा एक्स भी कहेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स और फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सभी कंसेप्ट हम अच्छी तरह से सीखेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे इसे जो हमने पहले एग्जांपल लिया था टॉसिंग ऑफ टू कॉइन का, इसे यहाँ पे उस एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। और एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। हमने देखा था एक्स जब 0, 1, 2 था तो यहाँ की प्रायोरिटी हमें क्या मिले थे, इसके लिए 1/4 था, इसके लिए 1/2 था, या फिर चाहे तो आप इसे 2/4 लिख सकते हैं, 1/2 था और ये इसके लिए 1/4 था, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम एक्स आई पी आर, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 × 1/4 इट विल बी 0 × 1/4 डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 0, 1 × 2/4 इट विल बी 2/4, 2 × 1/4 इट इज ऑल्सो 2/4, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 2/4 मिला है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें 2/4 मिला है, 2/4 प्लस 2/4 4/4, इन सभी का जो सम है समेशन एक्स आई पी आर, इन सभी का सम समेशन एक्स आई पी आई मतलब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इन सभी का हमें सम लेना है, सिग्मा जिसे हम कहते हैं समेशन एक्स आई पी आई, इन सभी का सम, ये मिलेगा हमें 1। तो इसे ही हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे कभी कभी मीन भी कहा जाता है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला समेशन एक्स आई पी आई, यहाँ पे क्या मिला है हमें, 1 मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर क्या मिलेगा 014, इन सभी का स्क्वायर 014। फिर इसके बाद यहाँ पे लेते हैं हम एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, मतलब इस कॉलम का और इस कॉलम का प्रोडक्ट, 1/4 इंटू 0 0, 2/4 इंटू 1 2/4, 4 इंटू 1/4 इट विल बी 4/4, ठीक है। 2/4 प्लस 4/4 इट विल बी 6/4, समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये एक्स आई स्क्वायर है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इक्वल्स टू 0 प्लस 2/4 प्लस 4/4 इट विल बी 6/4, 6/4 मतलब कितना है 3/2, ओके। अब हम फाइंड करेंगे वेरियंस ऑफ एक्स, मैंने आपको पहले ही बताया वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई, समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई ये है 3/2, ठीक है ना, जस्ट हमने फाइंड किया, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई 3/2 माइनस 1 स्क्वायर, ओके ये 1 है 1 स्क्वायर, तो ये 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 मतलब ये मिलेगा हमें 1/2, ठीक है। इस प्रकार से इसका आप कैलकुलेशन ले सकते हो। फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा एक्स कहते हैं, इट इज़ अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, मतलब अंडर रूट ऑफ 1/2, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरियंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, दीज 1, 2, 3 कंसेप्ट आर रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से कंसेप्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इतना पूरा पार्ट अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम एक्सरसाइज 7.1 में फॉर्मूले और हम रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था उसको हमने सीखा है, साथ में 10th और 11th में आपने जो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट सीखा था, सैम्पल स्पेस इवेंट वगैरह, ये सभी बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का मैं 100% प्रयास करूँगा। आपका कोई भी डाउट, यहाँ पर देखिए, वैसे डाउट लेके हमें साथ में नहीं चलना है, डाउट को हमें क्लियर ही करना है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो देखे बाद कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद बात रहेगी। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो ऐप है पी एंसर द लर्निंग ऐप, उस ऐप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको ऐप में मिलेंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिले, स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा, असाइनमेंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने उस ऐप में बैचेस वहाँ पे फॉर्म किए हैं, तो आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। और उस ऐप के थ्रू हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने का प्रयोजन, उसकी फैसिलिटी हमें यूट्यूब में नहीं मिलेगी, तो इसके लिए ही मैंने वो पर्टिकुलर ऐप बनाया है कि जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य से मैंने उस ऐप को बनाया है, उस ऐप को मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, उन सभी को उस ऐप को भी इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक है। उस ऐप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।